फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के टोटल अठारह इंपॉर्टेंट नर्सिंग प्रोसीजर मैंने डिस्कस किए थे आपको प्रीवियस लेक्चर में जिसमें से आज अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं टोटल अठारह करवाऊंगा कंप्लीट सीरियल वाइज ठीक है तो फर्स्ट वन इज लंबार पंक्चर वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन तो बनते ही बनती है तो देखिए ऑल्सो नोन एज स्पाइनल टेप लंबार पंक्चर का दूसरा नाम क्या है स्पाइनल टेप ठीक है ये अपने को ध्यान में रखना है नेक्स्ट अब देखिए है क्या ये एक्चुअली ए स्पाइनल नीडल इंसर्ट इन टू सब एरेक्नोइ स्पेस ऑफ स्पाइनल कोड ये जो अपना ब्रेन

मेनिनजाइटिस का कंफर्मेट्रिक एग्जामिनेशन क्या है सी एस एफ एसपीरेट करना या फिर लंबार पंक्चर ठीक है चलिए नेक्स्ट साइट क्या रहता है लंबा पंक्चर के लिए इन्फेंट एंड चाइल्ड में तो एल फोर एल फाइव वर्टिब्रा और अडल्ट में एल थ्री एल फोर वर्टिब्रा अब देखिए छोटी सी आपको मैं ट्रिक बताता हूँ यह कि यहाँ पर एक छोटा सा कन्फ्यूजन रहेगा आपको इन्फेंट और चाइल्ड लेस देन एट ईयर आपको यदि पूछ ले तो उस कंडीशन में आपको एल एल फोर एल फाइव टिपरा ध्यान में रखना है और चाइल्ड मोर देन एट ईयर प्लस अडल्ट यानी आठ साल से बड़े चाइल्ड और अडल्ट आपको पूछ ले तो एल थ्री एल फोर बता देता हूं इन्फेंट।, इन्फेंट प्लस चाइल्ड चाइल्ड कौन से लेस देन एट ईयर आपको यदि पूछ ले तो एल फोर एल एल फोर और एल फाइव होनी चाहिए ये अपने ऑप्शन में करना है और चाइल्ड मोर देन एट ईयर प्लस अडल्ट आपको यदि एग्जामिनेशन में दे दे तो एल थ्री एल फोर वर्टिप्रा होगी इसमें आ, कोई संदेह करने की आपको आवश्यकता नहीं है ठीक है कई बच्चों को रहता है एल थ्री एल फोर एल फोर एल फाइव ये मैंने एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया चलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ये बार बार पूछा जाता है नेक्स्ट पर्पज ऑफ लंबर पंक्चर वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोस मैन एंजाइटिस को पता लगाने के लिए चाहे बैक्टीरियल हो चाहे वायरल हो कोई भी हो एंड मेजर द सी एस ऑफ प्रेशर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड का प्रेशर भी जांच करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट इंडिकेशन कब अपन लंबार पंक्चर नहीं करेंगे तो जब इंक्रीज सी सी पी होना इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाए ठीक है तो उस कंडीशन में अपने को लंबार पंक्चर नहीं करना क्यों क्योंकि और बढ़ जाएगा प्रेशर जब फ्लूड बाहर निकाला जाता है तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तहत फ्लूड का प्रेशर और बढ़ जाता है ठीक है तो इसलिए आई में अपने को नहीं करना नेक्स्ट एक्यूट स्पाइनल कोड इंजरी की कंडीशन में भी अब स्पाइनल कोड की का ही प्रोसेसर और वहां की यदि इंजरी है तो अपन ये प्रोसीजर नहीं करेंगे ठीक है तो ये दो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है नेक्स्ट इक्विपमेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन कौन से इक्विपमेंट्स काम में लेंगे लंबा पंचर स्पाइनल नीडल नीडल काम में लेंगे कितने गेज की होती है बाईस गेज की आ, ये किस में आया था जीएमसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन और एक एग्जामिनेशन पी में पूछा गया था ठीक है ये दोनों एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कुछ, पूछा गया नेक्स्ट मेनोमीटर कौन सा काम में लेंगे टू चेक सी प्रेशर ठीक है मेनोमीटर काम में लेंगे किस लिए टू चेक द सी एस ऑफ प्रेशर नेक्स्ट बिटाडिन काम में लेंगे क्योंकि क्लीन द साइट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना होता है ठीक है नेक्स्ट तीन स्पेसिमेन कलेक्शन ट्यूब लेते हैं एक में बैक्टीरियल सैंपल के लिए दूसरी साइटोलॉजिकल स्टडी के लिए और तीसरी वायरल एग्जामिनेशन के लिए तीनों सैंपल में टोटल देखिए दस एम्बल निकालेंगे फ्लूड ठीक है तीन तीन एमबल प्रत्येक ट्यूब में डाल देंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट दो परसेंट जायलोकिन लेते हैं टू रिड्यूस द पेन चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर की कैसे करेंगे कैसे किया जाता है टोटल प्री प्रोसीजर इंट्रा प्रोसीजर और पोस्ट प्रोसीजर क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है देखिए प्रीपोसीजर की बात कर ले तो द इन्फॉर्म कंसेंट पेशेंट को इन्फॉर्म करना है consent लेना है उसकी सहमति लेनी है नेक्स्ट एमपटी बोवल दोनों क्लीन करना है सिक्स टू एट आवर प्रायर टू प्रोसीजर एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर इंडिविजुअल को बता देना कि भैया ऐसे आपका सी एस एफ निकाला जाएगा नेक्स्ट ड्यूरिंग लंबा पंक्चर क्या करेंगे सबसे पहले अब अपन फ्लूड निकाल रहे हैं सी एस एफ ठीक है तो सबसे पहले पेशेंट को लेटरल रिकमेंडेड पोजिशन या फिर सी से पोजिशन या फिर नॉर्मल फिटल फ्लेक्शन या सीटिंग पोजिशन ये सारे के सारे नाम इक्वली ही इंपॉर्टेंट है ठीक है मेन बात यह है कि इंडिविजुअल को ये बिठा करके ये मान लीजिए बिठा करके उसको फॉरवर्ड थोड़ा सा लीन करवाया जाता है बस

टेन एम एल सी एस एफ इन वाइल ठीक है निडल इंसर्ट करके दस एम एल क्या कर लिया जाता है आपको रेंज पूछी जाएगी तो आठ से दस एम एल कर देना ठीक एक है एकदम करेक्ट रेंज है एट टू टेन एम एल नेक्स्ट नेक्स्ट मेंटेन द स्टेरल टेक्निक्स अपने को क्या करना है स्टेरल टेक्निक्स का मिलेंगे क्यों क्योंकि ये डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है ये ब्रेन से लिंकअप है सी एस एफ नेक्स्ट अब यह हो गया प्रोसेजर एस्पिलेट कर लिया ट्यूब में कलेक्ट कर लिया अब देखिए पोस्ट प्रोसीजर पोस्ट लंबा पंक्चर प्रिवेंट पोस्ट लंबार पंक्चर हेडेक क्योंकि हेडेक एक इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लीकेशन ये भी क्वेश्चन आया हुआ है हेडेक एक इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लीकेशन ऑफ लंबार पंक्चर ठीक है तो अपने को प्रिवेंट करना है हेडेक से पेशेंट को बाय प्रोवाइडिंग फ्लेट पोजिशन या लाइंग पोजिशन पेशेंट को बोलते हैं भैया सीधा जो है उसको सुला दिया जाता है ठीक है नेक्स्ट अपन बात करते हैं आफ्टर सिक्स आवर छः घंटे के बाद में इलेवेशन ऑफ़ द हेड ऑफ़ बेड छः घंटे तक तो अपने को क्या करना लाइन फ्लेट पोजिशन और आफ्टर सिक्स आवर इलेवेट द हेड ऑफ़ द बेड नेक्स्ट मॉनिटर वाइटल साइन कंटिन्यूअसली वाइटल साइन मॉनिटर करनी है न्यूरोलॉजिकल डेफिजिट तो नहीं है पेशेंट ये भी मॉनिटर करना है और चेक द सी एस एफ लीकेज कि जहाँ से सी एस एफ निकल रहा है वो साइट उस पर रिस्क तो नहीं रहा है ना ठीक है ना क्योंकि रिस्क रिस्क करके रिसाव होकर सी एस एफ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा फिर नेक्स्ट इफ़ थ्रोबिंग हेडडेक अगर स्टिल थ्रोबिंग हेडडेक हो रहा है बहुत तेज दर्द हो रहा है ऐसे नहीं दर्द हो रहा है तो टेल द डॉक्टर अपने को डॉक्टर को बताने नेक्स्ट अब देखिए लास्ट अपन बात कर लेते हैं कंप्लीट प्रोसीजर हो गया नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ लंबार पंक्चर सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो हेड है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है फ्लेट पोजीशन प्रोवाइड करवा दो पेशेंट को स्टिल हेड हो रहा है अभी भी हो रहा है तो टेल द डॉक्टर सीधी सी बात है नेक्स्ट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है ये कॉम्प्लिकेशन है लंबार पंक्चर का नेक्स्ट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे सेप्टिक टेक्निक्स काम मिलेंगे बेटा डिन वगैरह और टोटल अच्छे तरीके से हाइजीनिक मैनर में नेक्स्ट ब्लीडिंग एंड सी रिस्क रहता है ये भी कॉम्प्लिकेशन है एंड पेन एट साइट तो इसके लिए आफ्टर प्रोसीजर आइस जो है ये अप्लाई की जाती है तो ये था इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक फर्स्ट प्रोसीजर लंबा पंक्चर सारे के सारे टोटल बाकी के सत्रह और है वो कंप्लीट मैं अपने चैनल पर डालूंगा धन्यवाद